तो हे गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे गाइज। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले गाइज कैसे करेक्टर को चलाया जाता है। किसी भाई ने कमेंट करके मेरे से पूछे थे गाइज कि कैसे एक साथ दो या तीन या चार करेक्टर को मूव कराया जाता है गाइज। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ गाइज, चाहे आप लोग एक करेक्टर को चलाना चाहते हैं यानी कि मूव कराना चाहते हैं, या दो करेक्टर को चलाना चाहते हैं, या तीन करेक्टर को एक साथ चलाना चाहते हैं, या चार करेक्टर को एक साथ चलाना चाहते हैं, तो कैसे चलाया जाता है गाइज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ गाइज। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेंगे गाइज तो आप लोग काफ़ी इजीली एक साथ दो या तीन या चार करेक्टर को मूव करा सकते हैं गाइज। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए गाइज, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ गाइज। तो चलिए गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए गाइज अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और बताता हूँ गाइज कैसे आप लोग एक साथ दो या तीन या चार करेक्टर को चला सकते हैं। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, तो सबसे पहले गाइज आप लोग क्रोमा टून्स एप्लीकेशन ओपन कर लीजिएगा। तो मैं यहां से ओपन कर लिया हूं, उसके बाद लेटेस्ट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा गाइज। सबसे पहले इसमें मैं बताऊंगा गाइज आप लोगों को चार करेक्टर कैसे चलाया जाता है गाइज। तो चलिए सबसे पहले इनके सर के ऊपर जो प्लस के आइकन दिख रहा है गाइज, तो चलिए इनके सर के ऊपर प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन सेटिंग करना होगा। तो चलिए यहाँ से इसके सर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आई डी एल पी क्लिक करके उसके बाद यहाँ से एक ऑप्शन है गाइज लेडी वर्ल्क गाइज, यहाँ से लिखा है गाइज लेडी वर्ल्क जो लिखा है गाइज इसको सेलेक्ट करना होगा गाइज। तो इस तरह से ये चलना स्टार्ट कर दे। तो इसी तरह से आप लोगों को इन करेक्टर के भी साथ करना होगा, जो तीन करेक्टर और हैं गाइज। तो इनके सर के ऊपर फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप लोगों को फिर से वही वाला ऑप्शन लेडी वॉल्क वाला सेलेक्ट कर देना होगा गाइज। अगर इस तरह से छेड़छाड़ हो जाता है गाइज तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ से सभी के सर के ऊपर प्लस के आइकन है जो, उस पर क्लिक करके लेडी वॉल्क वाला जो ये ऑप्शन है सभी के सर के ऊपर से क्लिक करके आप लोगों को ये वाला सेलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए गाइज मैं यहाँ से एक एक करके ये सारा कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइज। तो यहाँ पर देख सकते हैं, और किसी तरह का छेड़छाड़ हो जाता है तो गाइज यहाँ से क्लिक करके आप लोग ठीक कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद सिंपली गाइज आप लोगों को क्या करना होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ से आप लोग अपने करेक्टर को यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद गाइज आप लोगों को यहाँ से सेटिंग पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद गाइज यहाँ से आप लोगों को शो की फ्रेमिंग जो ऑप्शन है गाइज इसमें बॉक्स में टिक लगा के ओके कर देना होगा गाइज। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से आप लोगों को एक इंटरफेस देखने को मिलेगा गाइज। उसके बाद यहाँ से करेक्टर एडजस्ट करने के बाद सिंपली गाइज आप लोगों को यहाँ से एक प्लस पे आइकन पे क्लिक करेंगे गाइज, तो इस तरह से प्लस लग जाएगा और यहाँ पर नीचे एक लिखा होगा गाइज। उसके बाद गाइज आप लोग अपने करेक्टर को सबसे फर्स्ट वाले को थोड़ा सा आगे ले जाना, फिर दूसरे वाले को उसके जगह पे ले जाना, फिर तीसरे वाले को उसी के जगह पे ले जाना गाइज, और फिर चौथे वाले के तीसरे वाले जगह पे उठा ले जाना गाइज। तो उसके बाद गाइज फिर से यहाँ से एक प्लस लेना गाइज, उसके बाद सिंपली फर्स्ट वाले को थोड़ा सा आगे ले जाना, फिर यहाँ से इसको उसी की जगह पर ले जाना, फिर यहाँ से तीसरे वाले को दूसरे वाले के जगह पे ले जाना। इसी तरह से आप लोगों को जगह बस चेंज करना गाइज, फिर से यहाँ से एक के ले लेना गाइज, उसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाना है, फिर उसके जगह पे ले जाना है गाइज। इसी तरह से आप लोग करेक्टर को मूव करा सकते हैं। अभी गाइज यहाँ से देख लीजिएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग सेटिंग कर लीजिएगा। तो फिर से एक प्लस ले लेते हैं गाइज, उसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, और फिर इस करेक्टर को उसके जगह पे, और फिर इस वाले चुड़ैल को इसके जगह पे ले जाते हैं गाइज। उसके बाद फिर से एक की और ले लेते हैं गाइज, उसके बाद थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, फिर यहाँ पर इसको आगे ले जाते हैं गाइज। तो इस तरह से आप लोग एक एक करके आप लोग इसके जगह पर उसको ले जाइए, इसके जगह पर उसको ले जाइएगा। इस तरह से आप लोग की लगाते जाइएगा गाइज, उसके बाद इस तरह से आप लोगों का एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद गाइज आप लोग यहाँ से रिकॉर्डिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जो कि चलते हुए नजर आएंगे करेक्टर। आप लोग काफ़ी इजीली इस तरह से चार करेक्टर मूव करा सकते हैं। इसी तरह से आप लोग एक या दो करेक्टर भी इसी तरह से आप लोग चला सकते हैं। तो चलिए गाइज सबसे पहले आप लोगों को मैं चार करेक्टर चला के दिखाया हूँ गाइज। चलिए अब यहाँ से मैं दो करेक्टर को कैसे चलाया जाता है ये भी मैं बता देता हूँ गाइज। तो आप लोग इसी तरह से तीन करेक्टर, दो करेक्टर, एक करेक्टर चला सकते हैं। तो चलिए गाइज मैं बताता हूँ कि दो करेक्टर को यहाँ से कैसे चलाया जाता है। सिंपली आप लोग यहाँ से सेटिंग में जाके फिर से आप लोग यहाँ से शो की फ्रेम वाला जो ऑप्शन है गाइज उसे इनेबल कर दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ये लेडी यानी कि ये दादी माँ यहाँ से चल नहीं रही, तो गाइज फिर से इनका सेटिंग सही कर लेते हैं। यहाँ से लेडी वॉल्क पे क्लिक कर लेते हैं गाइज, और यहाँ से आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे तो जो छेड़छाड़ होता है वो सही हो जाता है। उसके बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस तरह से ये चलना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद गाइज यहाँ से एक प्लस ले लेना गाइज, यहाँ से आप लोगों को प्लस लेते ही थोड़ा सा दादी माँ को आगे ले जाना है गाइज, और दादी माँ के
जगह पे इनको लेना है गाइज, तो फिर से एक और प्लस ले लेना है गाइज, फिर से दादी माँ को थोड़ा सा आगे ले जाना है और दादी माँ की जगह पे इनको ला देना है गाइज, तो फिर से एक प्लस और ले लेना है गाइज, और यहाँ से दादी माँ को थोड़ा सा आगे ले जाना है और दादी माँ की जगह पे इनको ला देना है, फिर एक और प्लस ले लेना है गाइज, फिर दादी माँ को थोड़ा सा आगे ले जाना है गाइज और दादी माँ की जगह पे इनको ला देना है, फिर एक प्लस और ले लेना है गाइज, और यहाँ से दादी माँ को थोड़ा सा आगे ले जाना है और दादी माँ की जगह पे इनको ला देना है गाइज। याद रखिएगा गाइज, आप लोग दो एक ही जगह की मत लगा दीजिएगा, नहीं तो इस तरह से आप लोगों का ये क्रिएट होगा। चलिए मैं एक जगह मैं दो की लगा के दिखाया हूँ गाइज, तो आप लोग इस तरह से आप लोग एक एक की लेते जाइएगा और इनका जगह चेंज करते जाइएगा, तो इस तरह से आप लोग रिकॉर्डिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा, और एक जगह दो की लगा देंगे तो आप लोग थोड़ा सा ये रुक के जो गया है गाइज इस तरह से ये रुक के जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा गाइज बस एक ही की लगाइएगा, मतलब एक की लगाइएगा तो थोड़ा सा दादी माँ को आगे बढ़ाइएगा, उसके बाद दादी माँ की जगह पर इस लड़की को ले जाइएगा गाइज, तो इस तरह से आप लोग दो या तीन या चार करेक्टर को मूव करा सकते हैं गाइज। और गाइज आप लोग उसमें बता दूं कि आप लोगों की क्रोमा टून्स एप्लीकेशन में गैलरी में वीडियो नहीं सेव हो रहा, तो ये वाला वीडियो जाके देखिए गाइज, जिस वीडियो के अंदर मैं बताया हूँ कि कैसे गैलरी में वीडियो आप लोग सेव कर सकते हैं।